चलिए कोई तो जाएगा कम से कम हम लोगों की इतनी मुहिम में। और याद रखिए, ये नहीं कह सकते हम लोग कि एक तरह से हमारा जो हम लोगों ने आंदोलन छेड़ा हुआ है या हमारी तरफ से जो मुहिम चलाई जा रही है एक कामयाब हो चुकी है, ऐसा बिल्कुल कहीं नहीं कहा जा सकता है। ठीक है, आपने देखा होगा कि रेलवे ने भारतीय रेल में विभिन्न पदों की सभी तीनों श्रेणियों के लिए भर्ती प्रक्रिया के आवेदन की जांच पूरी की जा चुकी है और विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए परीक्षाओं का आयोजन 15 दिसंबर से शुरू किया जाएगा। एक तरह से आप ये नहीं कह सकते हैं कि पूरी तरह से हम लोग कामयाब हो चुके हैं, क्योंकि 15 दिसंबर में आप समझ रहे हैं बहुत दूर है। और ये आप समझ सकते हैं 2019 की बात है, 2019 अप्रैल के करीब आपके फॉर्म भरे गए थे, जून सितंबर से आपके पेपर होने थे, जून जुलाई से, तो इतना टाइम लग चुका है कि मतलब आप सोचिए कि आवेदन चेक करने में आपको, या आप कह सकते हैं कि देखिए चुनाव होता है, आप रिजल्ट एक एक मतलब समझते हैं कि डिक्लेयर कर देते हैं, एक एक तारीख दे देते हैं और 24 घंटे में आप समझते हैं सब कुछ खत्म हो जाता है, लेकिन तुम्हें फॉर्म के लिए इतना टाइम लग गया। तो चलिए ठीक है, कम से कम आप लोगों को एक उम्मीद जागी हुई है, आप तैयारी कर सकते हैं, लगे रहिए अपना। और दूसरी बात, आप लोग देखेंगे कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, एक बात और यहाँ बता दूं आप लोगों को कि जब भी आप लोग कोई भी किसी भी तैयारी कर रहे हैं उसका अगर आपको जानकारी प्राप्त करनी है तो उसकी मेन साइट पर जाया करिएगा, SSC हो, रेलवे हो, बैंक हो, या फिर आपका UPSC है, UPPCS है, MPPSC, बिहार, जो भी आपका हो। ठीक है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि SSC का भी आप लोगों को एक तरह से आपने देखा है डेट डिक्लियर कर दी गई है, लेकिन ये आप सोचिए 15 से 20 दिन का टाइम है इसमें, तो इसे भी जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, ये पहला ही 1 सितंबर को डिक्लेयर हो गई थी। उसके बाद आप लोग देखेंगे कि एक सबसे बड़ी बात समझ रहे हैं आप लोग, हम लोगों ने जो मुहिम छेड़ा हुआ था आप सबने मिलकर 621,000 ट्वीट किए गए, 621,000 ट्वीट किए गए तब जाकर समझ में आया है, और मुझे लगता है कि अभी जागे भी नहीं है अच्छी तरह से, हमारी थाली की आवाज उन तक शायद मुझे लगता है पहुंचा भी नहीं है, क्योंकि कई राज्यों ने कोई इस तरह की बात नहीं की अभी। 621,000, समझ रहे हैं आप लोग, यानी कि स्टूडेंट आप समझते हैं आपकी आबादी सबसे ज्यादा है, समझ रहे हैं आप लोग, युवा हैं, सबसे ज्यादा हमारी ही आबादी है एक तरह से, तो काफी अच्छा किया हुआ है, ट्रेंडिंग में आप देखेंगे कि नंबर 1 पर आप लोग आ चुके हैं, 621,000, समझ रहे हैं आप लोग। MPPSC का ऐसा कुछ भी नोटिफिकेशन नहीं आया है आप देख रहे हैं, यानी कि मध्य प्रदेश अभी भी सोया हुआ है और शिवराज सिंह चौहान साहब, मामा साहब आपके, अभी भी एक तरह से चुनाव में व्यस्त हैं, वो अपनी वोट बैंक की जो भी राजनीति चल रही है उसमें लगे हुए हैं। और यहाँ भी देख सकते हैं आप लोग कि MP का कोई आपको अभी दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं देगा। ठीक है, तो MP का आप लोग यहाँ जाकर देख सकते हैं PIV का, और MPPSC के लिए डायरेक्ट आप लोग साइट पर जा सकते हैं। तो चलिए, इसके आपके 35 लाख ट्वीट किए, इससे पहले आप लोगों ने 35 लाख ट्वीट किए थे उससे कम से कम SSC का रिजल्ट मिला था, और आज कह सकते हैं आप लोग की थाली बजाने का एक रेलवे की एग्जाम डेट अभी कह दी गई है, कोई क्लियर नहीं बताया है कि कब होगा, उन्होंने कह दिया 15 दिसंबर से शुरू किया जाएगा, अब नोटिफिकेशन आने के बाद मालूम चलेगा। तो कम से कम अपनी तैयारी आप लोग शुरू कर सकते हैं, रख सकते हैं, जारी रखिए, पता नहीं कब क्या करवा दें, और लगे रहिए। लेकिन हाँ, अगर आप कोई भी कहता है विरोध, किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको विरोध करना है तो आपको आगे आना होगा, समझ रहे हैं आप लोग, ऐसा नहीं कि आप लोग पीछे रहें, कुछ छात्र जैसे MP का हुआ है जहां लाठी पड़ी हुई है तो दूसरे राज्यों के चुप बैठे हुए हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपने देखा होगा कि इंदिरा गांधी को तभी गिराया गया था जब पूरे देश में आवाज उठी थी, और JP आंदोलन को किस तरह से आपने, बिहार तो वह मेन केंद्र था लेकिन सबसे ज्यादा आप देखिए पूरे भारत में उसका प्रभाव देखा गया था, तो एक दो के आप अंग्रेजों के समय भी जाकर देख सकते हैं कि एक दो के जगाने से नहीं जगने वाली है, एक दो की आवाजों को तो ये दबा देंगे आराम से, अगर जब युवा जागेगा तो बूढ़ों को फेंक देगा उठा के, और आप युवा शक्ति हैं और आप ही देश के भविष्य हैं, ये अलग बात है कि उनकी समझ में नहीं आ रहा है, युवाओं पर लठ बरसाए जा रहे हैं, डंडे बरसाए जा रहे हैं, सबसे बुरी हालत तो उनकी बताइए, मतलब एक लड़कियों पर भी डंडे बरसाए जा रहे हैं, शर्म करनी चाहिए कम से कम कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आप लोग नारा देते हैं, और जब बेटी रोजगार के लिए जा रही है तो आप डंडे बरसाने लगते हैं, शर्म करो शर्म करो, इतिहास तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा, और भगवान अगर सच में है और भगवान अगर सजा मिलती है तो आप लोगों को भरपूर सजा दी जाएगी, इतना क्लियर है, ऊपर वाले से डरिए, यहाँ ठीक है आपके सपोर्ट है आपका, आप सब इसके मतलब यहाँ सब लेन देन कर लेंगे, लेकिन ऊपर वाले को तो जवाब देना पड़ेगा,
कि नहीं देने पड़ेगा, तो ऊपर बारे की ऊपर वाले की लाठी से डरिए, आपकी लाठी से उसकी मजबूत है, ठीक है, आप यहाँ सता लेंगे वो वहां सताएगा, और कितने दिन यहाँ सता पाओगे, 100 साल, 150 साल, उसके बाद आपको जाना तो है ऊपर हिसाब देने के लिए। चलिए अच्छा है कम से कम कि सब मरते हैं, तो कम से कम एक तरह से सोचिए, एक तरह से कि डरते होंगे तनक, और नहीं डरते होंगे तो वहां जाकर मिलेगा दंड, वहां जाकर भरपाई होगी। तो ठीक है, आप लोग लगे रहिए और तैयारी आप लोग जारी रखिए, ट्वीट करने का काम है कम से, ये बढ़िया है कम से कम, मुझे लगता है कि सोशल मीडिया आज का अच्छा प्लेटफॉर्म है विरोध करने का। तो 5-10 मिनट का काम रहता है, आपको 24 घंटा आपको सोशल मीडिया पर नहीं गुजारना है, आप पढ़ते रहिए, और जब भी इस तरह की जानकारी मिलती है तो आप सभी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया करिएगा, आप ये मत डरा करिएगा कि कोई आपकी आवाज दबाएगा क्या करेगा। आप जानते हैं कि अंग्रेजों के समय हमारे भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, इनके बारे में भी उल्टा सीधा बोला जाता था, इनकी भी आवाज दबाने के लिए हर तरह की पाबंदी लगाई जाती थी, लेकिन आवाज नहीं दबा पाए। आज हम लोग बड़े गर्व से करते हैं और हम उनके इतिहास में पढ़ते हैं बड़े बड़े गर्व से, तो आज जो आप करेंगे वही इतिहास में लिखा जाएगा, ठीक है। गुलामी और बेईमानी की, और एक तरह से आपको ये भक्ति की जिंदगी जीने से अच्छा है कि आज मर जाए, एक जिंदगी जीना है एक दिन की, लेकिन वो भी शान से जीनी चाहिए आपको। आप लोग लगे रहिए, काफी आप लोगों ने आज तो आपने देखा है कि काफी आप लोगों ने मदद की हुई है, और देखिए तभी ये सरकारें तभी जागेंगी जब आप सभी लोग आएंगे आगे, तो आप सभी ने काफी मदद की हुई है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूँ, ठीक है। कम से कम कोई तो जागा, किसी का भी तो हो रहा है इससे भला, ठीक है।